मेरे प्यारे बच्चों एवं हर सुनने वाले को नमस्कार। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं क्योंकि यह हमारी राष्ट्रभाषा है। भाषा का उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति अपने सोच और भावनाओं को बिना किसी संकोच या डर के व्यक्त कर सके। शिक्षा के क्षेत्र में 33 सालों के अनुभव उपरांत मैं आप सब से एक सीख पर अमल करने के लिए अनुरोध कर रही हूँ, जिससे हम अपने चारों ओर खुशहाली की समृद्धि देख सके। कमान से निकला तीर एवं मुंह से निकली बात वापस नहीं लिया जा सकता, अर्थात हमारे मुंह से निकली एक भी शब्द किसी के मन को विचलित न करे, ना ही किसी के दिल को आघात पहुंचाए। दिल में लगी ये चोट हमें दिखाई नहीं देती, ना ही हम मस्तिष्क से इसको मिटा सकते हैं, और इसके लिए ऐसी कोई मरहम नहीं जो इसे हमेशा के लिए मिटा दे। कबीर दास जी के इस दोहे पर आप सबका ध्यान लाना चाहती हूँ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपु ही शीतल हो। आपके मुंह से निकले हर शब्द से केवल और केवल सुख, समाधान और स्नेह का एहसास हो। यदि हम सब इस उद्देश्य से भाषा का प्रयोग करें, फिर निश्चय ही चारों ओर खुशहाली ही नजर आएगी। अपने राष्ट्रभाषा पर गर्व करते हुए यह कहना चाहती हूँ कि हिंदी सीखे, हिंदी बोले और हिंदी सिखाइए। जय हिंद। हर हिंदुस्तानी के दिल में बसती हिंदी भाषा है, हर भाषा से प्यारी हमको लगती हिंदी भाषा है। भाव कोई भी हो मन का, हर भाव प्रकट हो जाता है जब बोले हिंदी भाषा, हर मन प्रसन्न हो जाता है। भाषाएं तो और भी है पर उनमें हिंदी सी बात नहीं, ये सरल सहज भी भाषा है, ऐसी भाषा कोई और नहीं। नमस्ते, आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते, आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा बनी। भारत के 70% से अधिक लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी के सम्मान और महत्व को लोगों तक पहुंचाना है। हिंदी भाषा संसार भर में 14 स्थान पर सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश की राजभाषा भी है। भारत की गौरव गाथा है हिंदी, हर भारतीय की पहचान है हिंदी, एकता की परंपरा है हिंदी, हमारी जीवन की परिभाषा है हिंदी। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लेते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास में हम हमारी ओर से संपूर्ण प्रयास करेंगे और जितना हो सके हिंदी भाषा की प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। हिंदी हमारी शान है, देश का अभिमान है। नमस्ते, आज हिंदी दिवस है, मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ। भारत की है बोली हिंदी, हम सबकी हमजोली हिंदी। हिंदी की है बात निराली, ये है हर भाषा से प्यारी। पुरगोत की है ये सौगात, सब करती इसकी ही बात। अनपढ़ हो या शिक्षित कोई, इससे है परिचित हर कोई। हम सबकी है यो अभिलाषा, हिंदी हो हम सबकी भाषा। सदा करे इसका सम्मान,
इससे है भारत का मान, सदा करे इसका सम्मान, इससे है भारत का मान। आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। हिंदी साहित्य काव्य तथा गद्यम के सोने का पिटारा है। जिस प्रकार आभूषण के बिना स्त्री अधूरी होती है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य के बिना हिंदी भाषा अधूरी है। हिंदी साहित्य को सुनहरा बनाने वाले हैं हिंदी साहित्य के कवि और लेखक। आइए देखिए कुछ प्राचीन काल के कवि लोग और लेखक। बुरा जो देखकर में चला, बुरा नाम मिलिया कोई, जो दिल को जा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। मैया मोरी में नहीं माखन गायो, वो भयो गयन के पाछे, मधुबन मोही पढ़ायो। दया धर्म का मोल है, पाप मोल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए, जब लग तक गट में प्राण। ये तो गिरिधर गोबर, दूसरों में कोई, जागे सिर मोर मुगुन, मेरा पति सोई। मैं मुंशी प्रेमचंद हूँ, मेरा जन्म वाराणसी में हुआ, मेरा प्रसिद्ध रचनाएं सेवा सदन, निर्मल रंग भूमि, गोदान। गोदान हिंदी का श्रेष्ठ उपन्यास है। मैं जयशंकर प्रसाद हूँ, मेरा जन्म काशी में हुआ, मेरा प्रसिद्ध रचनाएं झरना, लह, आंसू, कामायनी आदि है। मैं महादेवी वर्मा हूँ, लोग मुझे आधुनिक मीरा कहलाता है, मेरी प्रसिद्ध रचना है गिल्लू, मेरा परिवार, यामा, आदित्य के चलचित्र आदि है। मुझे यामा नामक के कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आज हिंदी दिवस है, इस अवसर पर हमारे अध्यापकों का प्रणाम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान अधूरा है। ज्ञान के बिना कोई महान नहीं बन जाता। जब गुरु ज्ञान देता है तब इंसान इंसान बन जाता है। इसलिए इस अवसर पर हिंदी अध्यापिकाओं को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं, हमारी पहचान भी है। तो आइए हिंदी बोले, हिंदी सीखे और हिंदी सिखाई। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। की भाषा।